नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही कि भारत नेपाल और भूटान सीमा पर सटे हुए गांव जो कि जंगल के पास हैं, उन्हें लोगों को हाथी बहुत परेशान कर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हाथी हैं वो जंगल से आते हैं, पूरा झुंड बनकर आता है और जो किसानों की जमीनों में फसलें बीजी होती हैं, जैसे मक्का की फसलें होती हैं या फिर गन्ने की फसलें होती हैं, पहाड़ी इलाकों में से आते हैं और ये फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। जस्ट फाइनली कि जो नेपाल के ये गांव हैं यहाँ पे 2016 में भी यही झुंड आए थे और सारी फसल नाश करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे तारबंदी कर दी गई थी तो कुछ हद तक यहाँ पे हाथियों का ये झुंड है वो नहीं आ पाए। लेकिन अभी दोबारा यही सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे बाढ़ को क्रॉस करके काट के भी आ रहे हाथी नेपाल और भारत की सीमा पर। मेची नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव हथिया राम जोश में पर्वती उरावा का एक गांव है जहां पे ये हाथी आ चुके हैं और देन फाइनली कि उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों को खेतों में परेशान तो कर रहे हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोगों को जैसे खेत में जाते हैं तो वहाँ से उनके जो भी साधन लेके जाते हैं, जो भी गाड़ी लेके जाते हैं, उनको भी रोक लेते हैं, तो इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहले बाढ़ करी गई थी और एक आधार से देखा जाए तो यहाँ पे सीमाबंदी करनी चाहिए सरकार को भी, और सरकार ने यही फैसला लिया है कि अभी इस पर बिजली की बाड़ लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो बिजली की बाड़ लगाने के कारण यहाँ पे हाथी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बाढ़ को लगाया जाए ताकि जो सटे हुए गाँव हैं यहाँ पर जो हाथियों से परेशान हैं उनको परेशानी ना हो और वो अपनी फसल को अच्छे से निकाल सकें, अपनी फसल को अच्छे से पैदा कर सकें और इसके अलावा वो लोग परेशान भी ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।